नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। उन्नाव नवाबगंज महिला सपा प्रदेश अध्यक्ष ने सपा प्रदेश अध्यक्ष व जिला अध्यक्ष का जोरदार किया गया स्वागत। जिला क्राइम ब्यूरो चीफ राम शरण कटियार की रिपोर्ट। उन्नाव में आज दिनांक 8 फरवरी 2020 को कानपुर लखनऊ हाईवे मार्ग पर मालती रावत के आवास पर आज मैनपुरी से चलकर लखनऊ को पैदल रथ यात्रा का स्वागत फूल बरसाकर किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल व उन्नाव समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव, जिला पंचायत सदस्य मालती रावत के निवास स्थान पर यात्रा पहुंचने पर मालती रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार इस समय जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रही है। इस सरकार ने जनता के कोई भी कार्य नहीं किए है। आवारा पशुओं द्वारा किसानों की फसलों को पूर्णतया बर्बाद कर दिया है और सरकार ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है। मालती रावत ने कहा कि हमारे प्रदेश के किसान इस समय त्राहि त्राहि कर रहे हैं। आवारा पशुओं से फसलें पूरी तरह से चौपट हो रही है। किसानों के प्रति सरकार ढिंढोरा पीट रही है कि उन्नाव जनपद में कान्हा गौशाला व अन्य गौशालाओं को बनवा कर किसानों की फसलों को बचाया जा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि आवारा पशुओं द्वारा किसानों की खेती पूरी तरह से बर्बाद हो रही है। जो गौशाला बनवाए गए हैं उनमें नाम मात्र के गोवंश रखे गए, यह एक दिखावा है। आज मैनपुरी से चलकर पैदल रथ यात्रा कानपुर नगर के तहसील बिल्हौर होते हुए कानपुर नगर से शुक्ला गंगज होते हुए आज रथ यात्रा नवाबगंज पहुंचने से पहले मालती रावत के निवास स्थान पर यात्रा का थोड़ी देर के लिए विश्राम दिया गया, जहां पर भोजन आदि की व्यवस्था मालती रावत ने की। मालती रावत समाजवादी पार्टी की महिला मोर्चा प्रदेश की एक कर्मठशील नेता, जिन्होंने आज भव्य तरीके से प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम का स्वागत अपने घर पर किया। तो मैडम, आपकी जो आज यात्रा निकल रही है, इसके संबंध में बताइए, आप किस उद्देश्य से निकाली जा रही है? ये हमारे जो राष्ट्रीय चाहे वो जनता के लिए हाईवे बनवाया है, बच्चों के लिए पेंशन, और जो कहीं भी मतलब काम है उनके बारे में बताया जा रहा है। और ये जो मौजूदा सरकार है, इसने कुछ किया नहीं है, धरातल पे उसका कोई काम नहीं दिख रहा है, सिर्फ बातें हैं जो भी है सामने, बातें वो लोग कर रहे हैं और हमारी सरकार ने काम किया, इसीलिए आज हम लोग पदयात्रा के द्वारा उसको संदेश भेजा जा रहा है। हम लोग जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके कार्य है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है। मालती रावत जी का कहना है कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो सरकार इस समय चल रही है वो जनता के हित में कोई भी कार्य नहीं कर रही है, और इसी संबंध में मैनपुरी से लेकर के पद यात्रा समाजवादी पार्टी की निकाली गई है, जो कि उन्नाव डिस्ट्रिक्ट से होते हुए लखनऊ को जा रही है। इस समय मालती रावत के गृह निवास पर यात्रा पहुंचने वाली है। आप इसके यात्रा के संबंध में कितनी खुशियां हैं आपको? हार्दिक खुशी, बहुत खुशी है, मैं बयां नहीं कर सकती हूँ, इतनी खुशी है मुझे, बहुत खुशी है। धन्यवाद।